खबर पोहरी जनपद कार्यालय से आ रही है, जहां जनपद सीओ शैलेंद्र आदिवासी ने आदिवासियों की 30 से 40 बीघा जमीन खरीद कर उस प्राइवेट जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। सरकारी फंड से तालाब खुदवा दिया। गांव के सरपंच पति का कहना है कि यहां ये सभी जमीन स्थानीय आदिवासियों की थी, जो कि सीओ शैलेंद्र आदिवासी ने उनसे खरीद ली है और उस जमीन पर उनके द्वारा ही ये निर्माण और खुदाई करवाई जा रही है। यहाँ ये बता दें कि सीओ शैलेंद्र आदिवासी हमेशा विवादों में रहे हैं। इसके बाद कई बार पोहरी से ट्रांसफर के बाद लगातार चौथी बार पोहरी में आकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। इस प्रकार के मामले उजागर होने से शैलेंद्र आदिवासी पुनः सवालों के घेरे में हैं। बताया गया है कि वर्तमान जनपद सीईओ ने अपनी जाति में परिवर्तन कर बचपन में ही धाकर से आदिवासी करा लिया था। बताया गया है कि सीईओ शैलेंद्र आदिवासी मूलतः सुजानगढ़ी कैलारस के रहने वाले हैं। इनका पिता का नाम जवाहर लाल धाकड़ और माता का नाम शकुंतला धाकड़ है, जबकि कागजों में इनके माता पिता बापूलाल आदिवासी और रामपति आदिवासी नवलपुला कैलारस के निवासी है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जहां इनका मकान है वह पूरी बस्ती धाकर समाज के लोगों से भरी हुई है। इनका मकान नंबर 21 है। अब बताया गया है कि शैलेंद्र आदिवासी ने धाकर माता पिता के समक्ष आईडी में 1 जनवरी 2014 को शैलेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, जबकि आदिवासी परिवार के साथ शैलेंद्र का नाम दर्शाया जा रहा है। इसके साथ पोहरी में आदिवासियों की विक्रय से वर्जित भूमि को खरीद कर उस पर सरकारी पैसे से सामुदायिक भवन और तालाबों को खुदवाया जा रहा है। बता दें कि एसवाया पंचायत के मड़खेड़ा में सर्वे नंबर 94 जो कि वर्तमान में शैलेंद्र आदिवासी के नाम पे है, उसमें से सामुदायिक भवन स्वीकृत कराकर शासन से लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, आदिवासियों से आवास या अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर उनकी भूमि खरीद कर उस पर अपनी रजिस्ट्री के बाद निजी जमीन पर करीब 12,85,000 का तालाब सरकारी फंड से बनवाया गया है। बताया गया है कि एसवाया पंचायत में सर्वे नंबर 276357 की भूमि सीओ शैलेंद्र आदिवासी के नाम है। इतना ही नहीं, अन्य भूमि भी आदिवासियों से खरीद कर रजिस्ट्री करा ली गई थी, उनके नामांतरण होना बाकी है। इतना ही नहीं, उस भूमि पर डक पॉइंट भी निर्माण किए गए हैं, जो कि करीब 7 लाख रुपए में सरकारी फंड से निकाले गए हैं और निजी भूमि में सरकारी काम किए गए हैं। सीओ शैलेंद्र आदिवासी भ्रष्टाचार के मसीहा बन चुके हैं। बताया गया है कि इनके द्वारा पोहरी जनपद के सरपंचों से पंचायतों के कार्यों में भी ब्लैकमेल कर 15% की रिश्वत ली जाती है और जिन सरपंचों के द्वारा रिश्वत नहीं ली जाती उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। उन्हें फंसाने की धमकी भी सीओ शैलेंद्र द्वारा दी जाती है। इसके साथ जानकारी में ये भी पता चला है कि शैलेंद्र आदिवासी कई पंचायतों में कार्य में पार्टनर रहकर अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। जब इस संबंध में सरपंचों से पूछा जाए तो हिस्सा ले रहे हैं कहाँ जाता है, तो सीईओ का कहना था कि मुझे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को उनके प्रतिशत का हिस्सा देना होता है। सीईओ द्वारा धुरियों में 4,22,000 मनरेगा का फर्जी बिल तैयार कर फर्जी पेमेंट निकाला गया है। बता दें कि एसवाई पंचायत के इस मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की जा चुकी है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले के उजागर होने और सीओ शैलेंद्र आदिवासी का लगातार पोहरी में पदस्थ होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम लंपी है साहब। आप अभी सुना यहाँ से सरपंच हो? हाँ, अभी इसी ग्राम पंचायत के सरपंच हो आप? जैसे पंचायत को सरपंच हो साहब। क्या नाम है आपने? लंपी है साहब। घरवाली सरपंच है आपकी? हाँ। अच्छा, ये जो अपन जहाँ खड़े हैं ये क्या है? ये तलैया है साहब। तलैया। और ये साहब कुआ है। कुआ। ये किन्ने खुदवाया है? सीओ साहब ने साहब। और ये वाली तलैया? उनने ही खुदवाई है। और ये वाली जमीन? वो जमीन उनकी यही है सीओ साहब की। यहाँ उनकी कितने बीघा जमीन है? अब 40 बीघा माले 30 बीघा बता रहे हैं उनकी। अच्छा, बाकी एक यहाँ से कुछ दूर वो वहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से लेकर ये सारी जमीन सुना है कि सीओ साहब की है। सामुदायिक भवन तक वो वहाँ तक है। अच्छा दादा, ये सामुदायिक भवन है ये मतलब यहाँ क्यों बना है, मतलब ये सीओ साहब की जमीन पर? अब सर मैं पता थोड़ी हमारे जानी जाए, सरकारी जमीन है तो इसलिए मान बनवा दो। अच्छा, वह जमीन तो सीओ साहब की ही है। अच्छा, अभी वो बाबा का मान लो हमारे सरकारी जमीन है तो मैं जाम बनवा दिया था। ठीक है, तो ये तलैया से पानी मानी देने के लिए किया है जे? मान लो पानी के लिए मान लो वो उपलब्ध करवाइए। अच्छा, और ये जो जमीन है इसमें ये क्या खड़ा है? तिल्ली? तिल्ली है साहब। ये कौन ने की है अभी? ये मान लो भदौरिया ने। और हमने भदौरिया कौन है? रनु भदौरिया। हाँ, यहाँ सेक्रेटरी है? नहीं तो बहुत पहले को सरपंच है नहीं। अच्छा अच्छा, पहले का सरपंच था। तो ये इधर से सीओ साहब ने कुआ खुदवाया है, ये आपकी बस्तियां हैं और ये यहाँ से लेकर टोटल जमीन वहाँ तक सामुदायिक भवन जहाँ चमक रहा है वहाँ तक,
ये टोटल जमीन सीओ साहब की है जाई, मान लो ये 5 बीघा जमीन ख्याली वाली जा छोड़ के और बन की है, ये 5 बीघा ख्याली वाली को छोड़कर। ठीक है दादा, धन्यवाद, बस इतनी जानकारी चाह रहे थे हम आपसे। तो बढ़िया ठीक है साहब, वहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, मान लो नहीं भाई, आपने सच बताया है कि झूठ बताया है? नहीं बिल्कुल सच है भाई। ठीक है दादा, क्या कुछ मामला है यहाँ पे? हम पूरे सरपंच इसलिए कहते हैं यहाँ, क्योंकि पौरी ब्लॉक के जितने भी सरपंच है, पूरे के पूरे सरपंच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। सरपंच से बिल्कुल एक्यूरेट काम की कामना कर रहे हैं। जितने भी अपने सीनियर अधिकारी हैं, खासकर सीओ साहब, वो सरपंचों को दबा रहे हैं कि भैया आप ऐसे ये काम करो, कानून में से कानून निकाल रहे हैं। हमसे बिल्कुल बाल की भी खाल खींच रहे हैं हर चीज़ की, और हमसे चाह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट काम कराना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दबाना चाह रहे हैं। सरपंचों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं तो अपनी सुप्री कलेक्टर साहब से ये निवेदन करूंगा कि लगातार चौथी बार ऐसी क्या मजबूरी है अपने जिला प्रशासन की या मध्य प्रदेश शासन की कि लगातार चौथी बार सेम सीओ आ रहा है? क्या मतलब है साहब ऐसा? यहाँ पे पूरा कमीशन पे कमीशन लिए जा रहे हैं, हर सरपंचों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं किसी के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से दबाया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जिस सरपंच ने मुंह खोली उसी सरपंच को आके उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंसा लिया जा रहा है। ना उसी कोई इज्जत है, ना कोई रिस्पेक्ट है। पूरे के पूरे सरपंच परेशान है, सरपंच बैठे हैं, कोई भी सरपंच खुश हो तो आप ये बताओ, ये बात करो इनसे आगे की क्या रणनीति। अगला कदम क्या? अगला कदम श्रीमान जी, हमारा अगला कदम ये है कि हम हमारे क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी के पास जाएंगे, अपने कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। अगर मैंने सीओ साहब हमारे पूरे सरपंचों के साथ सही ढंग से सहयोग नहीं करते हैं, सरपंचों की इज्जत नहीं करते हैं, तो हम जाके अपने सांसद जी को उनके हटाने की पूरी पूरी मांग रखेंगे।